26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रव करने वाले दंगाइयों की 25 तस्वीरें सामने आई, हाथ में धारदार हथियार और गन लिए हुए दिख रहे हैं दंगाई। भारत को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश पर दिल्ली पुलिस का खुलासा, टूल किट के जरिए 300 सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश। सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए खालिस्तान ने रची साजिश, दिल्ली पुलिस ने साइबर सेल को सौंपी जांच। भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई फेल, दिल्ली पुलिस की धारा 120B और 153A 124A के तहत उन्होंने केस किया दर्ज। देश के खिलाफ विदेशी साजिश का एक और खुलासा, देश विरोधी अभियान में जुटे किसान एकता कलेक्टिव नाम की साइट का चला पता, यूएसए कनाडा यूके से चलाई जा रही थी वेबसाइट। खालिस्तान और सिख फॉर जस्टिस के इंटरनेशनल साजिश की जांच के लिए भारत ने अमेरिका से मांगी मदद, सोशल मीडिया के डेटा जांच के पर भारत ने मांगी मदद। लाल किले पर हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, सीसीटीवी में दंगाइयों के कुछ स्थानीय लोगों को भी मदद करते हुए दिखे। लाल किला हिंसा का नया वीडियो सामने, लोगों को भड़काता दिख रहा इकबाल सिंह, पुलिस को मारने की दे रहा है धमकियां। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हिंसा पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी का बड़ा खुलासा, पुलिस ने कहा किसान नेताओं को हिंसा की थी पूरी जानकारी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच संसद भवन में बैठक, दिल्ली की सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा, डोभाल और आईबी चीफ भी रहे मौजूद। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ग्रेटा थनबर्ग के इंटरनेशनल साजिश पर किया पलटवार, कहा विदेश में बैठे कुछ लोग भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। शरद पवार ने फिर की किसानों को भड़काने की कोशिश, कहा अगर किसानों ने अलग राह पकड़ी तो देश के सामने होगा बड़ा संकट। किसान नेता राकेश टिकैत ने दी केंद्र सरकार को चुनौती, कहा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बिल वापसी पर ही होगी घर वापसी। दिल्ली में किसान नहीं करेंगे चक्का जाम, 6 फरवरी को दिल्ली छोड़कर पूरे देश में किसान करेंगे प्रदर्शन। शुक्रवार को कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान में RLP का ट्रैक्टर मार्च, सांसद हनुमान बेनीवाल ने 26 जनवरी को हुए ट्रैक्टर मार्च को बताया फेल। देश के खिलाफ साजिश पर भड़का लोगों का गुस्सा, जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट ने फूका एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का पुतला। दिल्ली से सटे हरियाणा के 2 जिले सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट पर प्रतिबंध शुक्रवार तक बढ़ाया गया, 5 फरवरी शाम 5 बजे तक इंटरनेट पर लगी रोक। यूपी के रामपुर में नवरीत सिंह के अरदास में शामिल हुई प्रियंका गांधी, 26 जनवरी को स्टंट के दौरान नवरीत की हुई थी मौत। रामपुर में किसान आंदोलन पर बोली प्रियंका, किसानों पर हो रहा अत्याचार, कानून वापसी तक चलेगा आंदोलन। प्रियंका गांधी के रामपुर दौरे को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कांग्रेस को हताश और निराश। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी, राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब, सोमवार को राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। 7 फरवरी को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को देंगे करोड़ों की योजनाओं का तोहफा, करीब 4300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का पीएम करेंगे ऐलान। कांग्रेस की बैठक में सदन की कार्यवाही को लेकर बड़ा निर्णय, सूत्रों के मुताबिक बैठक में कृषि कानून के खिलाफ सदन नहीं चलने देने का फैसला। गुजरात और असम में राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान, 3 सीटों पर 1 मार्च को होगा चुनाव। लोकसभा में गतिरोध को खत्म करने और सदन को चलाने के लिए विपक्ष के साथ स्पीकर ओम बिरला ने की बैठक, मीटिंग में कांग्रेस NCP और DMK के नेता हुए शामिल। बंगाल में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा पर डाले डोरे, कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर पीरजादा को अपनी पार्टी में के साथ गठबंधन करने को कहा। बेंगलुरु एयरो शो में दिखा आत्मनिर्भर भारत का दम, आसमान में भारत में बने हल्के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू दिखाए अपने कर्तव्य। शुक्रवार को भारत US संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास बीकानेर में, दोनों देशों की सेनाएं दिखाएंगी अपना अपना दमखम। ईरान ने पाकिस्तान पर किया सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकियों के कब्जे से 2 सैनिकों को ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने छुड़ाया, स्ट्राइक में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान में कानून पर भारी दबंग, लाहौर में भरी कोर्ट में जज से वकीलों ने की मारपीट, वकीलों ने जज का कपड़ा भी उतारा। मुंबई से सटे कल्याण में पुलिस टीम पर पत्थरबाजी, कुख्यात अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस, पथराव में कई पुलिसकर्मियों को आई हल्की चोट। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं नाना पटोले। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2736 मामले सामने आए, जबकि 40 लोगों की हुई मौत, मुंबई में एक दिन में कोरोना के 463 मरीज मिले। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में लगी भीषण आग, 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के गोमती नगर में दीप प्रज्वलन और दीप दान कर शहीदों को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर PSE बैंड ने प्रस्तुत की राष्ट्रधुन। बाइकबुक घोटाले में संजय भाटी का रिश्तेदार विदेश भाटी नोएडा से गिरफ्तार, संजय भाटी जीजा बुआ के बेटे और 4 लोगों पर FIR दर्ज करने का आदेश। यूपी के अलीगढ़ में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीड़िता के परिजनों से मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। सीएम योगी के आदेश पर भू माफिया पर 1 घंटे
में कार्रवाई। जनता दरबार में पीड़ित ने अवैध कब्जे को हटाने की गुहार लगाई थी। एमपी के हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने नर्मदा के किनारे एक दिन के उपवास पर बैठे कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों को सद्बुद्धि देने की कामना की। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस भी अब इकट्ठा करेगी चंदा। एमपी के कसरावद से विधायक सचिन यादव घर घर जाकर मांगेंगे दान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़े में 10 लाख के दो इनामी समेत 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर 33 लोगों की हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश में टेक होम राशन को लेकर कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, किसी भी जिले में बच्चियों के नाम पते का रिकॉर्ड नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने दुर्ग सांसद विजय बघेल की सदस्यता रद्द करने की मांग की। नामांकन के दौरान 13 एकड़ कृषि भूमि की जानकारी न देने का आरोप। इंदौर ड्रग केस में एक और गिरफ्तारी, मुंबई से गिरफ्तार हुआ ड्रग पैडलर। आरोपी के बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने के भी मिले कनेक्शन। भोपाल में लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा आयुष कार्यालय का बाबू, 80,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। पटना में रुपेश की पत्नी ने पुलिस की चोरी पर उठाए सवाल, कहा पुलिस की जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने से की मामले की दोबारा जांच कराने की मांग। बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों ने जमकर मचाया तांडव। गिट्टी बालू की दुकान में दिनदहाड़े लूट और तोड़फोड़, बीच बचाव करने पहुंचे बीजेपी नेता पर भी जानलेवा हमला। बिहार के गया में दो दुकानों में 10 लाख रुपए की गहने की चोरी, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की बड़ी कार्रवाई, 3 जोन के 7 मैरिज गार्डन किए गए सीज। छूट के बावजूद पंजीयन शुल्क जमा नहीं करने पर किया गया सीज। शिमला समेत हिमाचल की पहाड़ियों में भारी बर्फबारी, अगले 24 घंटे में और गिरेगी बर्फ।